जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात दो बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के पीछे का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। हनुमानताल थाने के पीछे खाई मोहल्ले में रहने वाला बिट्टू मराठा देर रात बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए दमोह नाका गया था, जहां अनिकेत सोनकर और आनंद सोनकर ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। अनिकेत और आनंद का बिट्टू के साथ कई महीनों से विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण दोनों आरोपी बिट्टू से रंजिश रखते थे। दोनों आरोपियों ने जब बिट्टू को दमोह नाका में देखा तो पहले दोनों ने उससे विवाद किया और विवाद के दौरान उस पर जानलेवा हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के तत्काल बाद मौके पर मौजूद लोग घायल बिट्टू को तत्काल पास के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे वारदात के पीछे की मुख्य वजह के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिट्टू की कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी और उसकी एक बेटी है, जबकि पत्नी गर्भवती है और जल्द ही एक और बच्चे का जन्म होने वाला है। बिट्टू अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पड़ाव मंडी में सब्जी का व्यापार करता था और एक राजनीतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता था, जिसकी मौत से परिवार के सदस्य एवं क्षेत्र के निवासी शोक में डूबे हैं। दमोह नाका में मेरा भाई गया था, तो उसको वहां पर बाबा और मनोज सोनकर के लड़कों ने छोटू और मट्टू दोनों ने चाकू से वहीं मार दिए। इनसे पापा से हम लोग का पुराना विवाद था, मनोज और बब्बा सोनकर और बबलू बंदर से। उसी घटना में इन लोगों ने उसके बाप लोग ने इनको सह दे के रखी थी और 5-6 दिन पहले ये हमारे घर भी आए थे, गाली आली बगे थे, खूब पूछ रहे थे कि बिट्टू मराठा कहाँ है और 9 महीने से इन लोग ढूंढ रहे हैं उसको। आरोपी इन लोग के यहाँ दारू बिकती है, इनकी मम्मी सब दारू बेचती हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग रहते हैं हनुमानताल थाने के पीछे खाई मोहल्ला। भैया क्या करते थे आप? भैया सब्जी का काम करते थे, हम लोग का सब्जी का काम है। पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं? नहीं पॉलिटिकल, ये सब साजिश है इन लोगों की, सोनकर समाज की। पुरानी रंजिश क्या थी आपके? इनके भाई, इनका जो बड़ा भाई था बबलू बंदर, ये अड़ी मारता था हम लोग को पैसे की, इतना पैसा तो इन लोग का गुंडा है वो बबलू बंदर, तो उसको पैसे नहीं दिए तो इन लोग खूब गाली गाली गलौज करते थे। तो इसकी रिपोर्ट भी डाले, अभी अन्नू रग्गा को इन लोगों ने मारे थे, उसके पैर हाथ सब तोड़ दिए थे। मेरे भाई को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे इन लोग। कितनी उम्र थी भैया की? भैया की उम्र थी 30-32 साल लगभग। आपका नाम? शुभम मराठा। दमोह नाका चौराहे पर रात करीब 9:15 बजे के आसपास की घटना है, जहां एक युवक बिट्टू मराठा निवासी हनुमानताल थाने के पीछे निवास करते हैं, उसी मोहल्ले के रहने वाले दो अन्य व्यक्ति अनिकेत सोनकर और आनंद सोनकर, इन दोनों ने मिलकर चाकुओं से मारपीट कर गला काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आई है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुरानी मारपीट की रंजिश चल रही थी। इस बात को आरोपी गण काफ़ी दिनों से मन में दबाए हुए बैठे हुए थे और आज उनको जब मौका मिला तो उन्होंने दमोह नाका चौराहे पर मिलकर उसकी चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। आम मौके पर आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039।